Assalamualaikum everyone. This is Momina Sheikh. I'm 28 years old and I'm very passionate about skin care. So आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है. ये उन लोगों के लिए है जो स्किन केयर जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायत यही रहती है कि उनकी स्किन केयर काम नहीं कर रही. तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है. ये वीडियो पूरी देखिएगा, शायद आप इन मिस्टेक्स में से कोई ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हो जिनकी वजह से आपकी स्किन केयर, आप पैसे भी लगा रहे हो लेकिन वो काम नहीं कर रही है आपकी स्किन के ऊपर. वेलकम टू माय चैनल स्किन एंड मोर बाय मोमिना. देखते हैं आज की वीडियो. आज की वीडियो का पहला पॉइंट है जिसकी वजह से आपकी स्किन केयर काम नहीं कर रही, वो है कंसिस्टेंसी. क्या मतलब? इसका मतलब है कि आप अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है. यानी अगर आप सपोज़ एक दिन बहुत थके हुए हैं और आप कहते हैं आज रहने देते हैं कल कर लेंगे, और कल कहते हैं कल कर लेंगे, इस तरह हफ्ते में आप दो बार अपनी स्किन को देख लेते हैं, अदरवाइज आप जो है उसको इग्नोर कर देते हैं. आप कंसिस्टेंट नहीं हैं अगर अपनी स्किन केयर के साथ, तो आपकी स्किन केयर आप पर काम नहीं करेगी. आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है किसी भी गोल को अचीव करने के लिए. इसी तरह जब अपनी स्किन के गोल को हमने अचीव करना होता है तो हमें एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और वो प्रोसेस जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए. तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. अगर आपने सोचा है कि आपने स्किन केयर करनी है, तो फिर चाहे कुछ भी हो, आपको 10 मिनट निकाल कर अपनी स्किन को क्लेंज जो है कम अज़ कम क्लेंज करके, उसको ट्रीटमेंट लगा के, मॉइस्चराइजर लगा कर फिर सोना है, और ये डेली करना है. आप नहीं कह सकते कि आज मैं थका हुआ हूँ तो आज मैं ये नहीं करूँगा. आप जितना भी थके हुए हों, आप खाने के साथ कंसिस्टेंट रहते हैं. आप जितना भी थके हुए हों, आप अपने घर के काम भी में भी कंसिस्टेंट रहते हैं. इसी तरह आप चाहे कितने भी थके हुए हों, आपको अपनी स्किन केयर में भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. सेकेंड मिस्टेक इज़ विच इज़ वेरी वेरी कॉमन. ये जो दूसरी मिस्टेक मैं आपको बताने लगी हूँ, ये ऑलमोस्ट हर लड़का कर रहा है, और उसको नहीं पता कि वो ये क्यों कर रहे हैं और जिनकी वजह से स्किन केयर काम नहीं करती. वो है अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को गलत ऑर्डर में अप्लाई करना. यानी आपकी स्किन जो है वो थिनर से थिकर की तरफ जो है आप अपनी स्किन को ट्रीट करते हो. यानी सबसे पहले आप अपनी स्किन को क्लेंस करते हो, फिर ट्रीट करते हो, फिर मॉइस्चराइज करते हो, ठीक है. लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को उल्टा कर दो, यानी आप क्लिनजिंग के बाद पहले मॉइस्चराइजर, थिकर मॉइस्चराइजर लगा लो, और वो आपके पोर्स को ऑलरेडी फिल कर देगा. वो एक थिकर मॉलिक्यूल होगा, इस वजह से आपकी स्किन के पोर्स ऑलरेडी ब्लॉक हो जाएंगे. उसके बाद अगर आप ट्रीटमेंट के लिए अपना कोई भी सीरम यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं करता. तो आपको पहले ट्रीटमेंट हमेशा अप्लाई करना होता है, अपना एक्टिव, अपना रेटिनॉल, अपना वाइटामिन सी सब पहले अप्लाई करते हैं, और देन मॉइस्चराइजर की तरफ जाते हैं. अपनी स्किन केयर को राइट तरीके से राइट ऑर्डर में करना होता है, तभी स्किन केयर आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करती है और आपकी स्किन जो है वो चेंज होना स्टार्ट. तो वो लोग जो स्किन केयर कर रहे हैं, और उनका मोस्टली यही क्वेश्चन होता है कि हम सब कुछ लगा रहे हैं, एवरी एक्टिव लगा रहे हैं, लेकिन हमारी स्किन जो है वो बेहतर होने की बजाय और मज़ीद ख़राब होती जा रही है. तो ये थर्ड पॉइंट उन लोगों के लिए है. आपने सब कुछ लगाना ही नहीं है, आपने इसका ओपोजिट करना है. आपने सिर्फ वो चीज़ लगानी है जिसकी आपकी स्किन को नीड है. बिलफर्ज आपके किसी ऑर्गन को, यानी वो लिवर भी हो सकता है, वो किडनीज भी हो सकती हैं, उसको मेडिकेशन की ज़रूरत है. तो आप ये नहीं करेंगे कि आप सर दर्द की गोली भी खा लें, और पेट दर्द की गोली भी खा लें, स्टमक की भी खा लें, दर्द की भी खा लें. आप ये नहीं करेंगे. आप सिर्फ अपनी किडनीज को ट्रीट करेंगे या अपने लिवर को ट्रीट करेंगे. इसी तरह जब हमारी स्किन में कोई कंसर्न आता है, तो हमें सिर्फ उसी को ट्रीट करना है. हमने हर प्रोडक्ट अपनी स्किन पर नहीं लगाना है. इसीलिए मैं कहती हूँ स्किन केयर के बारे में नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. किसी और की नहीं, अपनी स्किन के बारे में नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है,
ताकि आप चूज कर सके कि आपकी स्किन के लिए बेहतर क्या है। सब कुछ नहीं लगाना, सिर्फ वही लगाना है जिसकी आपकी स्किन को नीड है। तो फोर्थ पॉइंट है यूजिंग ओनली बेसिक स्किन केयर व्हेन यू नीड एक्टिव्स, यानी जब आपकी स्किन को एक एक्स्ट्रा हेल्प और बूस्ट की ज़रूरत है लेकिन आप सिर्फ बेसिक पर ही हैं। बेसिकली होता ये है कि जब हम एज में आगे जाते हैं, यानी जब हम 20s क्रॉस करते हैं और 30s में जाते हैं, तो हमारी स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, यानी हमारा जो कोलेजन है वो कम बनता है और स्किन जो है वो सैगी होना स्टार्ट हो जाती है, फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सब जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें समटाइम्स रेटिनॉइड्स की ज़रूरत होती है। समटाइम्स आपको पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है लेकिन आप सिर्फ बेसिक स्किन केयर कर रहे होते हैं, तो आपकी पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए हमें ग्लाइकोलिक एसिड या कोई और एक्सफोलिएंट की ज़रूरत होती है। इसी तरह जब आपको आपका कंसर्न पता होगा या आप एज की तरफ जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी एज एंटी एजिंग रूटीन स्टार्ट करें, तो आपको उनमें एक्टिव्स रेटिनॉइड्स या विटामिन्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे ताकि आपकी स्किन को वो बूस्ट मिल सके जो वो अब नेचुरली नहीं मिल रही। सो फोर्थ पॉइंट इज आपको अपने राइट कंसर्न को राइट प्रोडक्ट से ट्रीट करना है, बेसिक से थोड़ा आगे जाकर। पॉइंट नंबर 5 हमारा आखिरी पॉइंट है एग्रेसिव स्किन केयर एंड ओल्ड स्किन केयर। एग्रेसिव स्किन केयर क्या होती है? फिजिकल स्क्रब्स एंड ब्लीच, ये एग्रेसिव स्किन केयर है। इसको एग्रेसिव स्किन केयर की कैटेगरी में इसलिए डाला जाता है क्योंकि जब आप किसी के साथ एग्रेशन दिखाते हैं तो आपको बैड रिस्पॉन्स ही मिलता है। इसी तरह जब आप अपनी स्किन केयर में एग्रेशन यूज़ करेंगे यानी फिजिकल स्क्रब्स यूज़ करेंगे, तो आपकी स्किन का मॉइस्चर बैरियर बर्बाद हो जाएगा, और अगर आप स्किन ब्लीच करेंगे तो वो पानी आपकी स्किन का जल जाएगा। मुझे नहीं पता कि स्किन में ब्लीच कैसे बेनिफिशियल हो सकती है। सो ये हो गई एग्रेसिव स्किन केयर एंड ओल्ड स्किन केयर। ओल्ड स्किन केयर मीन होम रेमेडीज, जिनका ना तो कोई फ़ायदा है और ना तो कोई नुकसान है, वो आपके लिए कुछ नहीं करती। साइंस इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती। तो अगर आप सिर्फ एक्सपीरियंस इंजॉय करना चाहते हैं तो आप होम रेमेडीज की तरफ रहें, पर ये आपकी स्किन के लिए कुछ नहीं करती। तो होम रेमेडीज कर लेने से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी स्किन जो है वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। सो आपको एक बेसिक अच्छी स्किन केयर रूटीन की ज़रूरत है, ना तो होम रेमेडीज की ज़रूरत है और ना ही फिजिकल स्क्रब एंड ओल्ड मेथड्स की ज़रूरत है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने आपको ऐसे 5 पॉइंट बताए जो आपको नहीं करने ताकि आपकी स्किन केयर वाकई आपको फ़ायदा दे और आपके पैसे बर्बाद ना हो। आई होप आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें, बाय।